I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the. Thank you, friends. मेरा नाम अभिषेक कुमार चाह. इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुशअप्स कैसे लगाते हैं, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का हो. पुशअप सबसे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि अगर आप पुशअप करते हो तो उसमें हर बॉडी पार्ट स्ट्रेच होता है. अगर आप अच्छे तरीके से पुशअप कर पाते हो तो यानी आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हो. और तीसरी चीज, अगर आप पुशअप लगाओगे तो यानी आपके हाथों में पावर है आपका वेट उठाने लायक. तो मैं आपको बिगिनिंग से सिखाऊंगा कि कैसे पुशअप्स लगाते हैं. ये कोई गर्ल्स पुशअप नहीं है, ना कोई बॉयज़ पुशअप्स है. आपको दोनों के लिए बेस्ट रहता है. लड़का लड़की में बस इतना फ़र्क होता है कि आपकी जो बॉडी है वो देर में अडेप्ट करती है. लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है एक्सरसाइज सीखने में, लड़कों को जल्दी एक्सरसाइज सीख जाते हैं. पर जो स्ट्रेचिंग वाली चीज़ें होती हैं वो लड़कियाँ जल्दी सीखती हैं, और जो लड़कों की होती है वो कम धीरे थोड़ा टाइम लगता है. तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे तरीके से पुश. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उस पोजीशन में आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो. सबसे पहले इस राइट साइड में नीचे से लेकर. सबसे पहले आपको लगाने हैं नी पुशअप्स. अपने कोशिश करिए कि अपने नीज को ग्राउंड पे रखा, और फिर उसके बाद ऐसे करिए, अपने बैकबोन को, अपनी कमर को थोड़ा सीधा करिए, फिर उसके बाद ऐसे नीचे जाइए. जो आपकी ये वाली है बोन, जो आपकी कोहनी है, इसको सीधा रखिए यहाँ तक. इसके इसको कहीं कहीं नहीं हिलाना आपको. इसको ऐसे रखना है, बस ऊपर वाला पार्ट हिलेगा, ये नहीं हिलना चाहिए. ऐसे करके कोशिश करिए कि आपके आप इसके सेट्स लगाएं. जब इसको आप 30 पुशअप्स लगा पा रहे हैं, आप एक पुशअप तो आराम से लगा सकते हैं, नॉर्मल पुशअप वाला, जिसको हम नॉर्मल पुशअप कहते हैं. उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ. अगर आपको अच्छे तरीके से बॉडी चाहिए, अगर अच्छी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपको बस तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. पहला, आपको चाहिए ग्राउंड, जैसे धरती अभी आप ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहा हूँ. तीसरा, दूसरी चीज़, आपको आपकी बॉडी चाहिए. अगर आपके पास आपका शरीर है तो आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं. और तीसरा, ग्रेविटी. अगर आपके घर के आसपास जहाँ पर ग्राउंड है, अगर वहाँ पर ग्रेविटी है तो आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं. तीन चीज़, ना कोई डंबल चाहिए, ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, बस आपको आपकी बॉडी, ग्रेविटी और लैंड और ग्राउंड चाहिए बस. आपको जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे पुशअप लगाना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस पुशअप के बाद अपनी बॉडी पे स्ट्रेन कैसे देना है, अपना थोड़ा प्रेशर कैसे लगाना है कि वो थोड़ी देर रोके. पहला मैंने आपको बताया पुशअप लगाना. दूसरा, नी पुशअप्स में आपको ऐसे करना है, उसी सेम पोजिशन में नीचे जाके थोड़ी देर वेट करना है. 5 सेकेंड्स के हॉल्ट लीजिए, फिर ऊपर आइए. यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए 5 सेकेंड्स, नीचे आइए 5 सेकेंड्स वेट कीजिए. वेट करने के बाद ऊपर आइए. कोशिश करिए कि आप 5 या फिर 10 लगा सकें इसके. अगर आप जल्दी, आपकी बॉडी जल्दी अडेप्ट कर रही है तो 10 तो लगाइए. अगर धीरे अडेप्ट करती है तो 5 लगाइए. कोई भी चीज़ ज़्यादा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ अच्छी करने से फ़र्क पड़ता है. उसके बाद मैं आपको एक और लेवल बताता हूँ, थर्ड लेवल इसी का. उसके बाद आपको ये करना है, जब आप इस पोजिशन में आ जाते हैं तो कोशिश करिए कि हाथों को थोड़ा सा ज़्यादा आगे रखिए ऐसे करके. और हाथों को जितना आगे ले जा सकते उतना आपका जो आपके जो पैक्स हैं इसके साथ पैक्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी. आपके जो यहाँ है ये स्ट्रेच होने लगेगा धीरे धीरे. थोड़ा आगे हाथ रखिए, फिर पीछे लाइए. ऐसे आगे हाथ रखिए, पीछे लाइए, और फिर उसके बाद कोशिश करिए कि ये करें. मैंने आपकी पुशअप की बिगिनिंग ये हो जाएगी. ये हो गया बिगिनर लेवल. आपको यही पुशअप करने हैं, एक हफ्ता टाइम लेगा, पर बॉडी अडेप्ट करेगी तो अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगी. और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मॉडरेट कह सकते हैं, जैसे मॉडरेट पुशअप्स. उसके बाद अगर आप इसको 30 पुशअप्स लगा पाते हैं ये वाले, तो आप मॉडरेट पे आ सकते हैं. मॉडरेट पुशअप्स इस प्रकार से थोड़ा पास आ जाए. मॉडरेट पुशअप्स इस तरह के होते हैं कि आपको नी पोजीशन से ही ऊपर जाना होगा. यानी आप ऐसे जाइए, ऐसे हो गए, बस आपको नी ऊपर उठानी है और कुछ नहीं करना. आपको नी ऊपर उठाई, नी थी तो आप ऐसे करके जा रहे थे, और नी उठा दोगे तो ऊपर आ गए. नी ऐसे है, पुशअप लगाया, और ऊपर उठते टाइम ऐसे उठिए, ना कि नी को नीचे रखिए. ऐसे वापस रख लीजिए नी नीचे, ऐसे जाइए, ऐसे हो गया, उठा लीजिए ऐसे करके. क्योंकि देखिए लोगों पे प्रेशर नहीं लिया जाता अचानक. अगर आप पहले से ही ट्राई करेंगे ऐसे करके मॉडरेट पुशअप वाले ऐसे करके, तो आप पे लिया नहीं जाएगा. आप पहले नी रखिए, नी के बाद उस पोजीशन में आइए. आप जब इस पोजीशन में आ गए उसके बाद नीचे जाइए. कोशिश करिए कि नी के साथ ही उठे. अगर आप नी के साथ उठेंगे तो आप आराम से अपनी बॉडी वेट को उठा पाएंगे, क्योंकि आपका जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जो आपके हाथों पे ज़्यादा पावर लगती है, ना कि पैरों पे. तो आप आराम से अपनी बॉडी को उठा पाते हैं. इसके बाद जब आप नी के आखिरी में नी के साथ आप उठा पा रहे हो ऊपर,
तो आप नॉर्मल पुशअप करिए, बिल्कुल नॉर्मल कोशिश करिए, 5 या 6 पुशअप तो लगाएं। उसके कारण जो आपकी बॉडी है उसमें धीरे धीरे कट्स, दर्द होगा। दर्द इसलिए होता है कि आपकी बॉडी, आपको पता चलता है कि यूम एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। वो अच्छा दर्द है, ऐसा नहीं है कि आप सोचिए आज एक्सरसाइज करियो मैंने दर्द हो रहा था मैं अगले दिन से नहीं करूँगा। आज दर्द होता है यानी कि आपकी आगे बॉडी बन सकती है, और अगर आपके दर्द नहीं होता है यानी आपकी बॉडी बनने में टाइम लगेगा। अगर आपके पेन हो रहा है बॉडी में यानी कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है उसे, सबसे अच्छी चीज़। और दूसरा कोशिश करिए कि एक हफ्ते में 5 दिन 4 दिन इसे करें, 6 पूरे 6 दिन या 7 दिन नहीं करना, रेस्ट भी देना है बॉडी को, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट। तीसरा, मॉडरेट पुशअप के बाद आपको नॉर्मल पुशअप करने, यानी कि ये वाले, ये है, ये जाइए नॉर्मल, ये ऐसे नॉर्मल पुशअप। कोशिश करिए कि आप 10 पुशअप्स लगा पाएँ ये वाले। अगर आप 10 पुशअप्स ये वाले नॉर्मल लगा पा रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैं आपको मॉडरेट तक बताऊंगा, आगे वीडियो आते रहेंगे अगर आपको एडवांस लेवल के पुशअप सीखने हैं तो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो, और आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कीजिए उस एनी टॉपिक लाइक मोटिवेशन, सक्सेस एंड एनीथिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।